नमस्कार एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में किया चुनावी रैली को संबोधित। अल्मोड़ा में कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा डबल इंजन की सरकार करेगी विकास। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खटीवा दौरा, भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय व्यापारियों ने किया जोरदार स्वागत, कहा मिथक को तोड़कर फिर बनाएंगे सरकार। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला का हरिद्वार द्वारा केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा उत्तराखंड में बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र, गैरसैंण को स्थायी राजधानी के साथ 6 नए जिले बनाने पर दिया जोर, साथ ही 10 गारंटी के साथ की कई घोषणाएं। उत्तराखंड में घटा कोविड संक्रमण, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार। 2 की मौत, 716 नए संक्रमितों की पहचान, तो करीब 1300 मरीजों ने दी कोरोना संक्रमण को मात। चलिए अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्मोड़ा में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र उत्तराखंड का विकास करेगा। उत्तराखंड भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस इतने सालों तक सत्ता में रही, लेकिन वन रैंक वन पेंशन के मामले को लेकर झूठ बोलती रही। ये हमारी ही सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन की व्यवस्था लागू की। भाजपा सरकार ही है जो देहरादून में उत्तराखंड के शहीदों के सम्मान में सैन्य धाम बना रही है। जात पात मत मजहब भाषा राज्य के नाम पर फूट डालते हैं और राज्यों में जाकर के इलाकों में क्षेत्रों में फूट डालते हैं। पहाड़ी है, तराई है, इस इलाके के हैं, उस इलाके हैं, उत्तराखंड से ज्यादा इस साजिश का शिकार और कौन हुआ होगा। इन्होंने हमेशा कुमाऊं और गढ़वाल की लड़ाई करवाने की कोशिश की ताकि ये दोनों जगत को लूट सके, जबकि डबल इंजन की सरकार ने दोनों जगह के लिए डबल काम करने की कोशिश की है। चाहे तराई का क्षेत्र हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे कुमाऊं हो, चाहे गढ़वाल हो, हमारे लिए तो पूरा उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ का एक एक बच्चा हमारे लिए देवतुल्य है। हमारी यहाँ की माता है, हमें आशीर्वाद देती रहती है। हमने केदारखंड में केदारनाथ को विकास की नई ऊंचाई दी है, तो साथ ही मानस खंड के विकास के लिए भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अगले 5 सालों में, ये मैं जो कह रहा हूं ना, उत्तराखंड का दशक है ये, मौका जाने मत दीजिए। अगले 5 साल में मानस खंड टूरिज्म सर्किट डबल इंजन सरकार की बड़ी प्राथमिकता रहने वाला है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए खटीमा दौरे पर रहे। यहां खटीमा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी का भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया। साथ ही मुख्यमंत्री धामी को लड्डू से तोला गया। इस मौके पर जनता के अपार समर्थन को लेकर मुख्यमंत्री धामी अभिभूत नजर आए। आशीर्वाद मिल रहा है। मैं निश्चित रूप से मेरे संकल्प को और दृढ़ करता है कि अपने सीमांत क्षेत्र खटीमा के लिए इसको मुख्य धारा में लाया जाए। यहाँ पर जो विकास की बहुत सारी चीजें अभी प्रस्तावित हैं, जो काम होने हैं, उन सभी कामों को पूरा कर गत वर्ष में हम उसकी योजना बनाएंगे, योजना बनाएंगे और खटीमा को एक मॉडल खटीमा बनाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला हरिद्वार दौरे पर रहे। यहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। तो वही आम आदमी पार्टी ने उत्तरकाशी में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। आपके कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में घोषणा पत्र जारी किया। इसी के साथ ही आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने गंगोत्री से घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में वादा किया है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे। तो वहीं राज्य में 6 नए जिले बनाने पर भी जोर दिया गया। घोषणा पत्र में उत्तराखंड की पहाड़ी कृषि नीति लाने और यूथ असेंबली का गठन करने पर भी जोर दिया गया है। इस घोषणा पत्र में अरविंद केजरीवाल की 10 प्रमुख गारंटी भी शामिल है। आपका कहना है कि घोषणा पत्र में उत्तराखंड नवनिर्माण का विजन है। केजरीवाल की गारंटी समेत उत्तराखंड के जल जंगल समेत कई मुद्दों को लेकर आपने अपना विजन घोषणा पत्र के माध्यम से जनता के सामने रखा। तो वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जसपुर विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर यूनुस चौधरी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। साथ ही भाजपा व कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तराखंड में दोनों सिक्के के एक सिक्के के दो पहलू ये दोनों हैं। दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड वासियों को बारी बारी लूटने का कार्य किया। उत्तराखंड को 21 वर्षों के बाद भी कोई विकास कार्य नहीं मिल पाए। तैयार किए कि एक ईमानदार राजनीति आए और उत्तराखंड के लोग उसको वोट करें। लोग विकल्प का इंतजार कर रहे थे, इस बार लोगों के पास विकल्प है और लोग बहुत शिद्दत से कह रहे हैं कि अब हमें कांग्रेस भी नहीं चाहिए, बीजेपी भी नहीं चाहिए, हमें हमारा विकल्प मिल गया है। ये लोग जनता का पैसा चुरा के भाग जाते हैं, जनता का पैसा काट के भाग जाते हैं, कमीशन खोरी करते हैं। हमें तो जनता वोट कर रही है, ये लोग अब देखें अपना। जितने आप लगातार उत्तराखंड में दौरा कर रहे हैं, क्या सरकार बना पाएंगे? उत्तराखंड में कांग्रेस अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह खो चुकी है। आज उत्तराखंड का एक एक वोटर जानता है कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाना। सर एक कांग्रेस को वोट देने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने की गारंटी देना। इसलिए कोई कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के शासन से लोग दुखी होके, निकम्मी सरकार से दुखी होके उसको हटाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी एक बहुत मजबूत विकल्प के रूप में आई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर थराली से भाजपा प्रत्याशी भूपाल राम टमटा के समर्थन में पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद तीरथ सिंह रावत ने जनसंपर्क किया। साथ ही भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार ने उत्तराखंड में विकास के कई कार्य किए जिनका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है और उत्तराखंड में जनता एक बार फिर से भाजपा को जिताएगी। के रुझान का पता चल रहा है कि आने वाला 14 तारीख भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करेंगे। उसका कारण है कि उत्तराखंड का जो चौमुखी विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए हुआ है और वेदर रेड से चार धाम से लेकर के रेलवे कनेक्टिविटी से लेकर के और यही नहीं तो इन रोडों का भी मैं कह सकता हूँ बॉर्डर रोड जो आपका कंडबिराग से लेकर नारायणबगढ़ थराली से गुजरते हुए आगे ग्वालदम और फिर आगे बढ़ेगा आपके बागेश्वर धारचूला की ओर,
तो ये रोड भी पहले क्या हालत थी, आज किस तरह चौड़ीकरण हो रहा है, जहां 4 घंटे लगते थे वहां 2-2.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। खबर अब उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, जहां खटीमा के कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी ने विधानसभा चुनावों को लेकर जनसंपर्क तेज कर दिया है। इसी बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य भी खटीमा के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क किया, साथ ही भुवन कापड़ी के पक्ष में मतदान की अपील भी की। बाकी महान जनता का असीम प्यार मुझे मिला है, आशीर्वाद मिला है, एक रिश्ता है मेरा खटीमा की महान जनता से, और उस रिश्ते को हमेशा यशपाल ने निभाने की कोशिश की है। जब भी आता हूँ, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे युवा हो, सबका प्यार, सबका दुलार मुझे मिलता रहा है, और आज फिर ऐसे वक्त पर आया है जो हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस सीधी बुकसीधा मुकाबला है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 14 फरवरी को है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस तक अपना कुनबा बढ़ाने के लिए जोड़ तोड़ के गणित में जुटी है, और इसी सिलसिले में थलाली के पत्रकार और प्रेस क्लब के अध्यक्ष विनोद चंदोला ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ज्वाइन करने के पीछे थराली से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जीतराम के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों से प्रभावित होना है। अब वे राजनीति में उतरकर जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। है नहीं, लेकिन पत्रकारिता भी एक समाज सेवा था। उसमें हमने 12-13 साल लगभग पत्रकारिता के क्षेत्र में हमने काम किया। 13 सालों तक हमने समाज की सेवा की और पब्लिक की आवाज़ उठाने की बात की। अब पत्रकारिता छोड़ करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का सीधे सीधे ये मैसेज आता है कि क्षेत्र में हमने आवाज़ उठाई थी, हमने आवाज़ उठाने का काम करेंगे। पहले हमने नहीं लिख करके आवाज़ उठाई थी, अब हम आवाज़ बुलंद करके अपने क्षेत्र के विकास की बातें करेंगे। हमने देखा है कि बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से जुमलेबाजी की है, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे महंगाई के क्षेत्र में हो, जब सत्ता में बीजेपी नहीं थी उस टाइम पे बीजेपी वालों ने गैस की बातें करी, पेट्रोल की बातें करी, महंगाई की बातें करी। आज आप देखिए कि महंगाई किस चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 फरवरी को रुद्रपुर आगमन पर संयुक्त किसान मोर्चा ने विरोध करने की घोषणा की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि तीनों कृषि कानूनों के विरोध में लंबे समय तक आंदोलन किए जाने के बाद आंदोलन को स्थगित किए जाने के दौरान केंद्र सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। किसानों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अभी तक किसानों के साथ किए गए समझौते के अनुसार कोई भी वायदा पूरा नहीं किया, जिससे किसानों में भारी रोष व्याप्त है। मैं जो लागत जो है उसका, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आ रहा है और आमदन कहीं कम है, और उसमें भी एमएसपी पर अगर हमारी चीजें नहीं बिकती, हमारी फसलें उत्पाद नहीं बिकते, तो आने वाले समय में हमें और परेशानी आने वाली है। इसलिए हमने सोचा है, और एक हमने कुछ दिन पूर्व रुद्रपुर से किया था, उसमें हमने कुछ मांगे रखी थी ओपनली। उसमें मांगे ये थी कि हमारे पुराने केस जितने हमारे पर डाल दिए गए हैं वो वापस हो जाएं। कोई भी पार्टी करती है हम उसका समर्थन करेंगे। हमें गन्ने का मूल्य 14 दिन के अंदर दे दिया जाए, हमें एमएसपी दे दी जाए आने वाले समय में, फसलों की पूरा 100% हमारा एमएसपी पर खरीदा जाए, हमारी मोटर्स जो हमारा सिंचाई के काम आती हैं उनका बिल 100% माफ किया जाए और पिछले बिल माफ किए जाए, और जो आपका ब्याज मुक्त ऋण है वो हमें दिया जाए, ऐसी हमारी मांग। जो शुगर मिल है आज 50-55 साल पुरानी हो चुकी है, जो भी विधायक आज आया है वो 4 गन्ने गिरा के फोटो खिंचा के और रिपेयरिंग में से अपना हिस्सा लेके घर चला गया है। उस वो मिल आज उसकी छत सारी नीचे गिर चुकी है और उसकी जितनी भी मशीनरी है वो सारी खत्म हो चुकी है, और किसी कोई भी मशीन खराब होती है तो जो हमारे बुजुर्ग भाई रिटायर हो चुके हैं उनको घर से उठा के लाना पड़ता है। जो हमारे ईडी साहब का के पास हम कई बार जा चुके हैं, उनका एक ही है कि इसकी जो दो तीन उसको डिवाइड करके सरकार एकदम भी करा सकती है, उसका नवीनीकरण होना चाहिए। अगर एकदम नहीं हो सकता, कम से 1-2-3 बार में हो जाए, यह एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और एक जो हमारा यहाँ पर के फसल बिक्री का एक बहुत बड़ा यहाँ दिक्कत आती है, यहाँ जितने भी विधायक हैं अब हमें रोज सड़कों पर मंडी के गेट पर बैठना पड़ता है, और यहाँ का विधायक कभी आज तक हमारे साथ नहीं बैठा। मोदी सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने, उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने एक
कॉल दी है, आह्वान कर रखा है कि जो भी बीजेपी का प्रत्याशी गांव में घूमे उनसे कुछ सवाल पूछे जाएं। जो सवाल हैं कि इन्होंने जो 2017 में एक मैनिफेस्टो लाए थे उत्तराखंड का और यूपी का, उस पे इन्होंने क्या काम किया और क्या क्या वादे पूरे किए हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, जब भी बीजेपी का प्रत्याशी गांव में या शहर में घूमे उनसे जरूर पूछे कि इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये अपनी वजह बताएंगे कि क्यों नहीं हुए हैं और कैसे पूरा कर सकते हैं, ये भी एक बार जरा किसानों को बताएं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के भीतर 716 नए मामले सामने आए, जबकि 2 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई। संक्रमितों की तुलना में 1354 मरीज इससे रिकवर हुए। वर्तमान में 7560 संक्रमितों का इलाज चल रहा है और कोरोना की तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या 87277 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 22056 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसमें 13 जिलों में 716 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। देहरादून जिले की बात करें तो 212 केसेस यहां से, चमोली से 88, अल्मोड़ा से 56, नैनीताल में 47, उधम सिंह नगर से 38 मामले, टिहरी से 26, पिथौरागढ़ से 21, उत्तरकाशी में 17, रुद्रप्रयाग में 14 और बागेश्वर जिले से 7 नए कोविड पॉजिटिव मिले।